हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयुषी टेक ब्लॉग्स। और सुबह के बज रहे हैं 11 और अभी मैं उठ गई हूँ, नहा भी ली हूँ और नाश्ता कर लिया है। और अब हम आज मेरा माजी के घर पे पहला दिन है जब मैं रुकने आई हूँ। और आज है संडे और आज का ये शेड्यूल है कि हम शाम को जाएंगे मासी के घर। मैं मामा और माजी कैब में बैठ के जाएंगे मासी के घर। और अभी तो मैंने नाश्ता वाश्ता करके मैं लेट गई हूँ। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करूँगी और मतलब कुछ काम खास है नहीं इधर, और फिर शाम तक सब तैयार होके जाएंगे मासी के घर। तो आज मेरा यही व्लॉग बनेगा। और तब तक के लिए मैं थोड़ा सोचती हूँ कि क्या ही बात करूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप सबको ये बताऊँ जो मैं पिछले व्लॉग में बताने वाली थी कि मेरे साथ क्या स्पेशल हुआ। तो मेरे साथ ये स्पेशल हुआ कि राखी पे से पहले मेरी मासी गई थी लंदन और वहाँ से मेरे लिए लाई शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश और मेरी फेवरेट चॉकलेट फेरेरो रोशर। और हाँ, मतलब ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है फेरेरो रोशर। जो भी सब्सक्राइबर मुझे गिफ्ट करना चाहता है ना, गिफ्ट कर देना, ठीक है, मैं रख लूँगी। और अब फिर शाम को जब जाएंगे उसके बाद मैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव फन, मजे करो, जो करने करो, बट किसी का दिल मत दुखाओ, बाय। हाँ, मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मैं एक चैलेंज करना चाह रही हूँ, 24 घंटे वाला ईटिंग चैलेंज। तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोल डाला था, मोमोज, नूडल्स और एनी चाइनीज़ फूड। तो आप इसके नीचे कमेंट करिएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा 24 आवर चैलेंज देखना चाहेंगे। और किसी ने मेरी वीडियो पे एक क्वेश्चन करा था कि आप ये टेक वीडियोस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ब्लॉग्स ही रखेंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि मैं हर तरीके के वीडियोस बनाऊँगी इस चैनल पे। टेक वीडियोस भी बनाऊँगी, व्लॉगिंग भी बनाऊँगी, बीच बीच में मेरी टेक वीडियोस आएंगी, ब्लॉग्स आएंगे, ट्रैवल ब्लॉग्स आएंगे, फूड ईटिंग ब्लॉग्स आएंगे। आप मतलब अगर किसी रेस्टोरेंट की वीडियो देखना चाहते हैं ना, कि जैसे कि मैं इस रेस्टोरेंट की वीडियो बनाऊँ या कोई ब्लॉग बनाऊँ किसी जगह घूमने का, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी उस कमेंट की वीडियो बनाऊँ। और अभी आए हैं हमारे प्लान में थोड़े से चेंज। अभी बज रहा है दोपहर के 12:30। और अभी हम शाम को जाने की बजाय अभी जा रहे हैं मासी के घर। तो अब हम धीरे धीरे तैयार होंगे, पहले माजी, फिर मैं, फिर मामा, फिर हम कैब बुक करेंगे और फिर उसके बाद मासी के घर जाएंगे। रात को रुक के कल वापस आ जाएंगे। तो आगे सब लोग, ये सूट मैं पहन के जाऊंगी, ये सूट माजी पहन के जाएगी, ये सूट माजी लेके जाएगी कल के लिए, और मैं भी अपने कपड़े रखूंगी अभी कल के, और इस काले बैग में रखूंगी अपने कपड़े, और फिर हम जाएंगे मासी के घर। और ये मेरी मेहंदी थोड़ी फेड होने लग गई है अब। मेहंदी से मुझे याद आया कि ये मेहंदी मेरे को लगवाए हुए रक्षाबंधन पे मैंने लगवाई थी, इतनी अच्छी नहीं टिकी है। आजकल मेहंदी इतनी अच्छी नहीं टिकती है। और फिर यह है कि अब मैं जैसे ही हटेगी तो मैं एक बार और लगवाऊंगी मेहंदी। चलो फिर चलते हैं मासी के घर। अब मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, माजी तैयार हो गई, मामा तैयार हो गए, हमने कैब बुक कर दी और अब हम 5 मिनट में कैब आएगी तो हम यहाँ से निकलेंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा मासी के घर दिल्ली कैंट। और रास्ते में जाते समय मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मामा है साथ में, तो मैं रास्ते की वीडियो बनाऊँगी थोड़ी सी और फिर मासी के घर जाके सबसे मिलवाऊँगी, मासी, सिद्धि, टैटू, और फिर शाम को मासी के वहाँ का पार्क दिखाऊँगी, मार्केट दिखाऊँगी। पूरा व्लॉग बना के आज का पूरे दिन का और रात को एडिट करके आज ही पोस्ट कर दूँगी। ओके, और आप सब देखते रहो क्या क्या होता है आज। एक किलो रसगुल्ले पैक कर दो।
हम निकल चुके हैं घर से कैब में और अभी मैं हलवाई पे आई हूँ एक किलो रसगुल्ले लेने के लिए, फिर हम आगे जाएंगे। और कैब मेरी वहाँ खड़ी है, मेरा वेट करिए। रसगुल्ले हो रहे हैं पैक और मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में और अब हम जा रहे हैं। पहुंच गए अब हम मासी के घर और अभी थोड़ा चाय वाय पी के खाना वाना खाएंगे और उसके बाद मैं आपको इनका पूरा होम टूर दूंगी और पीछे मेरे जो पार्क है उधर झूले हैं उन सब की वीडियो बनाएंगे। हम पार्क भी जाएंगे वहाँ। और मौसम यहाँ पे काफ़ी सुहावना है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मौसम है। तो हम खाना पीना खा के थोड़ी देर में पार्क जाएंगे, अभी 2:30 बजे गए हैं तो खाना वाना खा के 4-5 बजे हम पार्क जाएंगे, तो पार्क का वीडियो बनाएंगे। तब तक मैं आपको अंदर जाके घर का वीडियो दिखाती हूँ। ये है मासी की बालकनी जिससे हमें ये पार्क दिखता है ऑसम वाला। और इसके अंदर है ये एक बेडरूम है, एक बेडरूम है ये। इसके अंदर है मासी का मंदिर, ये अंदर है, ये अलमीरा है। इसकी पहले मैं कुंडी लगा देती हूँ क्योंकि मासी इसको बंद रखती है। और अब इसके बाद ये जैसे अंदर, ये है मासी का सेकंड रूम, ये है स्टडी टेबल, ये है एसी, ये है टॉयलेट बाथरूम, ये है बालकनी। और ये है बालकनी, ये है बच्चों का, और ये है बच्चों का प्लेइंग रूम। अब हम खाना खाएंगे, खाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे। मैं ये कपड़े चेंज करूँगी, पार्क जाने के लिए कपड़े पहनूंगी, फिर पार्क जाऊँगी और फिर पार्क का वीडियो शूट करके आप सबके साथ शेयर करूँगी। रात को एडिट करके मैं डाल दूँगी इस व्लॉग को, ठीक है? तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप नेक्स्ट वीडियो किसकी देखना चाहेंगे, कौन सा 24 आवर चैलेंज। हाय, ये है मेरी सिस्टर सिद्धि। सिद्धि से हाय। हाय। और बोलो उनकी दीदी का चैनल सब्सक्राइब करो। ये दीदी का चैनल सब्सक्राइब करो। ओके, अब तक क्यूट बेबी ने भी बोल दिया, अब तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और बाकी अब हम जो पार्क में जाएंगे ना सिद्धि की स्केटिंग क्लासेस के लिए, हम आगे का ब्लॉग तब शूट करेंगे। अभी हम बहुत थक गए, हम खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे, है ना सिद्धि? हाँ। और फिर अच्छा सिद्धि, इनको अपने वो सुना दो कृष्णा जी का श्लोक फ्रेंड्स को। ओके। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संविता युयुत्स्वाहा माम काह पांडवाश्रय किम करतु संजया। ये वाला एक फर्स्ट श्लोक था गीता का, पर ये विल धृतराष्ट्र ने बोला था। और इसके साथ हम आपको वीडियो में आगे भी 2-3 श्लोक सुनाते रहेंगे और पार्क की वीडियो शूट करेंगे। अभी के लिए बाय। अभी मैंने और सिद्धि ने थोड़ा सा काम कर रहे हैं घर का और इसी के साथ साथ खाना बन रहा है, तो अब मेरा काम हो चुका है फ्री। तो अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी जब तक खाना नहीं बनता, और फिर खाना खा के थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करके पार्क जाएंगे। और सिद्धि और मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए हैं, सिद्धि भी आ चुकी है अब रूम में वापस। ये देखो मैं खीरा खा रही हूँ, मम्मा को मत बताना। ये खीरा खा रही है, हम किसी को नहीं बताएंगे। वैसे क्यों नहीं बताना है? मम्मा ने बोला था कि खाने के साथ खीरा खाना, ऐसे मत खीरा खाना। ओके, हम नहीं बताएंगे, सिर्फ वीडियो में डालेंगे। और फिर हम शाम को पार्क का शूट करेंगे। बाय बाय। अब मैंने खाना खा लिया है, अब टाइम है कपड़े चेंज करने का। इससे पहले हम एक बार बालकनी में जाके देखेंगे, लगता है बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। अंदर से तो हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे कि वाओ अमेजिंग, यहाँ पे बारिश हो रही है काफ़ी तेज़। तो मैं इसको थोड़ा स्टैंड को पीछे कर देती हूँ इनके,
और आगे का व्यू दिखाती हूँ मैं आप सबको गाइस को। ये देखिए गाइस, शायद हो सकता है इसमें इतना क्लियर ना पता चले कि बारिश हो रही है, बट हो रही है। ये देखिए गाइस कितना बढ़िया मौसम हो रहा है आज। अब मैं करूँगी कपड़े चेंज और थोड़ा रेस्ट, फिर शाम को जाएंगे पार्क। हो सकता है पार्क जाना थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि नीचे पानी भर गया है, तो जब पानी हट जाएगा तब जाएंगे मैं, सिद्धि और टैटू। तो आगे का शूट हम तब करेंगे। अभी हम सो के उठे, हमने चाय पी और बाहर बारिश हो रही है इसलिए पार्क जाने का प्लान कैंसिल। तो हम रात का डिनर करने के बाद पार्क जाएंगे। तो बस अभी के लिए तो इतना ही है। और मैं और मासी बातें कर रहे हैं, मासी वॉक करने गई है, बच्चे नीचे फ्रेंड्स के पास गए हैं अपने, पार्क तो बारिश हो रही है बाहर। और अब हम बारिश रुकने के बाद अब हम ये आ गए हैं घर से नीचे। अब मैं जाऊँगी पार्क टैटी सिद्धू के पास और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। पार्क दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का कैसा है। तो इसमें यह है कि वीडियो के टाइम पे बैक कैमरा ऑन नहीं कर सकते, तो मैं वीडियो यहाँ पे रोक के अपनी बैक कैमरा ऑन करके आगे की वीडियो बनाऊंगी। और ये है यहाँ का झूलों का सेशन, इधर बच्चों का किड सेशन है, झूले हैं, वहाँ पे प्ले स्टेडियम है, उधर आगे जिम है, ये स्केटिंग स्टेडियम है, उधर सिद्धि स्केटिंग कर रही है हमारी। अरे बच्चे पार्क में स्केटिंग कर रहे हैं, ये येलो टी शर्ट वाली तो हमारी सिद्धू ही है और टैटूज को परेशान कर रहा है। और अब हम चलते हैं झूलों की साइड, ये है झूले और मैं जाऊंगी झूले झूलने, क्योंकि हम जिस स्पेशल वॉक की बात करते हैं वो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी। तो हमारी स्पेशल वॉक होती है जिसमें हम सिर्फ झूले झूलते हैं और झूले झूलना ही हमारी स्पेशल वॉक है। और ये मैं आ गई हूँ झूले पे झूला झूलने और सिद्धि का वेट कर रही हूँ। जब तक सिद्धि फ्री होके आएगी तब तक मैं झूले झूलूँगी यहाँ पे नॉर्मली। और पीछे भी झूले हैं काफ़ी, मतलब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी अभी, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं ना इसलिए। और फिर अभी ऐसा कुछ खास मैं कर नहीं रही हूँ इसलिए मैं हड़बड़ा रही हूँ, झूला झूल रही हूँ अभी मैं सिर्फ। और पीछे के झूलों पर जाने का मन नहीं कर रहा मेरा, हालाँकि मैं वीडियो में दिखा दूँगी, बट वहाँ पे ग्रास हो रही है, जैसे कि मतलब यहाँ पे भी बहुत ग्रास हो रही है, देखो बहुत ग्रास है, इधर भी कटिंग होनी चाहिए यहाँ पे प्रॉपर। मुझे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी कि बच्चे खेल रहे हैं, कटिंग नहीं हो रखी ग्रास की, होनी चाहिए। और अब थोड़ा फन करके ऊपर जाएंगे, नींबू पानी पियेंगे, खाना खाएंगे और फिर रात को व्लॉग बंद करके सो जाएंगे। चलो मैं आपको पीछे के व्यू से दिखाती हूँ झूले। ये सब स्लाइड्स हमने पिछली बार करी थी जब मैं और सुमित आए थे, लेकिन आज मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ और टैटू सिद्धि भी बिजी हैं अपने आप में, तो मैं अकेली नहीं कर रही हूँ स्लाइड्स क्योंकि मुझे डर लगता है। हाँ पर ये कि मैं वीडियो में दिखा देती हूँ, ये सारे झूले हैं इधर, ये देखिए पीछे देखिए बच्चे खेल रहे हैं, छोटू छोटू मम्मा आए हुए हैं, उनकी पापा आए हुए हैं और अकेला कोई नहीं आता इधर। ये अच्छी चीज़ लगी मुझे कि यहाँ पे ज़्यादातर अपने बच्चों को अकेला नहीं भेजते हैं और भैया भैया आते हैं साथ में। तो चलिए अब पार्क व्यू इतना ही और अब ऊपर जाएंगे, थोड़ी देर में खाना वाना खाएंगे और फिर शायद खाना खाने के बाद दोबारा वॉक पे आएंगे और फिर नहीं करेंगे व्लॉग को रैप करके। सो तब तक के लिए बाय गाइस। नहीं 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 अभी बाय नहीं, मैं ये कह रही थी कि मैं पार्क में एंजॉय करती हूँ, आप जाइए अब बाय। अब मैंने 15 मिनट्स कर लिया है पार्क में एंजॉय और अब मैं जा रही हूँ ऊपर और बच्चे थोड़ा खेल वेल के आएंगे, तो मैंने कहा चलो ऊपर चलती हूँ, मेरा तो कोई ऐसा काम है नहीं इधर,
तो अब बस मैं यहाँ से जाऊंगी, ऊपर जाऊंगी लिफ्ट से, और फिर माँ जी और मूवी देख रहे हैं, मैं अलग रूम में जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था रक्षाबंधन से मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं चल रही है। तो चलते हैं ऊपर अभी मैं, और अब मैं आ गई हूँ बिल्डिंग के अंदर। अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर। ये लीजिए, मैंने लिफ्ट का बटन दबा दिया, अब लिफ्ट आएगी तब हम जाएंगे। अच्छा अच्छा, लिफ्ट आ जल्दी। और अब आ गई हूँ मैं लिफ्ट के अंदर, और मैंने फिफ्थ फ्लोर दबा दिया है। ये फिफ्थ फ्लोर मैं दबा चुकी हूँ, और अब लिफ्ट ऊपर जाने की। अभी आया है फर्स्ट, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे मुझे जाना है। और अब गेट खुलेगा, टडडा। हेलो, और अब हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं, मैं, माची और सिद्धि। और मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगा। अब सिद्धि से पूछते हैं, सिद्धि तुम्हें खाना कैसा लगा? बहुत टेस्टी बना है, मैंने पूरी बनाई है और उसके साथ ना आलू गोभी की सब्जी, बहुत ही टेस्टी है। चलो अब माजी से पूछते हैं कि माजी को कैसा लगा खाना। माजी खाना कैसा लगा? मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज की बना, और क्या करना सिद्धि, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, गुड नाइट। बाय माजी, आप भी बोल दो गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।